देखो फ्रेंड्स, अब ये रेमेडी हम कर रहे हैं आज जुखाम के लिए, रनिंग नोज। ये लिया हमने सरसों का तेल, देखो थोड़ा सा सरसों का तेल हमने लिया इसमें, और उसमें हमने लहसुन काटा है, छोटा छोटा लहसुन काट के और उसको बॉयल कर लिया है। और अब ये जो नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जब ये हो गया है बॉयल करने के बाद, तब हम इसे बच्चे की नाक में, आओ धीरज लेटा के, या तो ऐसे पहले पैर पे मालिश करवाता है ये, देखो ऐसे हम पैर पे फुट्स, जो हमारे बच्चे की या हमारे खुद के भी हम अपने यूज कर सकते हैं, फुट्स पे ऐसे इस तेल को लगाएंगे और ऐसे तीन मिनट एक पैर पे, 3 मिनट एक पैर पे आप ऐसे ऐसे मालिश करते रहें। और उसके बाद फिर और ऐसे आप फिंगर पे लगा के नाक में बच्चा खींच लेगा, या आप भी इनहेल करो और सेम दूसरी नोजी में, और इस तरह से आप नाक में लगाने के बाद बच्चा उसको साफ कर दें, और उसके बाद बच्चे की चेस्ट में मालिश करें, अपने या बच्चे के या चेस्ट में ऐसे, और फैन धीरे कर दें या फैन बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ऐसे मालिश कर दें चेस्ट में भी बच्चे की, 2-3 मिनट चेस्ट में मालिश करें, ऐसे उघाड़ के नहीं, ऐसे थोड़ा सा ढक के ही कपड़े के नीचे से, और फिर दो बार नाक में, एक बार और नाक में डाल सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे की नोजी छोटी होती है तो ये छोटी फिंगर पे लगाया और ऐसे उसको वो इनहेल कर सकता है, ऐसे अंदर इनहेल करे बच्चा, और बस आप फिर पैरों पे मालिश करते रहिए। छोटी सी रेमेडी है जिससे जुखाम बहुत जल्दी ठीक होता है। आप लोग भी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके फिर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, बच्चों के लिए भी और आप अपने लिए दोनों के लिए। ये था हमारा कोल्ड के, जुखाम के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, और कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताएँ, थैंक यू। और ये देखो फ्रेंड्स, हम खांसी के लिए, जब बच्चों को खांसी हो जाती है और चेस्ट कंजक्शन, छाती रुक जाती है बच्चों की, वो नहीं निकाल पाते, या हम बड़ों की भी कि वो कफ जम जाता है तो उसी से फीवर वगैरह बनता है, तो आज उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए हम लेंगे शहद, और ये मैंने बना लिया है शहद और शीतलोपलादी, एक चूर्ण आता है डाबर का, ये काफ़ी अच्छा है, ये खांसी के लिए है। और ये शहद में मिक्स कर लें एक कटोरी में लेके, काफ़ी बारीक पाउडर होता है, और इसको मिक्स अच्छे से करके बच्चे को दिन में, इसके बाद पानी वगैरह ना पिए, दूध पानी कुछ भी, बस थोड़ी देर आराम से लेटें, और इसके बाद ये दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है तोड़ लो दे। और ये फ्रेंड्स देखो, जब बच्चे की चेस्ट कंजक्शन हो जाती है उसके लिए एक आप आग, मतलब जैसे उपला होता है उसकी आग बना ली, ये मैंने बिल्कुल आग बना ली है, और इसके ऊपर जो हल्दी पाउडर होता है जो हम किचन में यूज़ करते हैं हल्दी पाउडर, वो जब आप ऐसे स्पून से इसके ऊपर डालेंगे तो धुआं आएगा, देखो देखो इसका अब जो धुआं आ रहा है वो देखो, आप देख पा रहे हैं शायद धुआं थोड़ा सा, हाँ ये बच्चा इनहेल करेगा, देखो ऐसे सूंघेगा बच्चा, या आप भी देखो ऐसे थोड़ा सा खींचो बेटा, हाँ उससे जो क्या है, हाँ बच्चों को थोड़ा सा लगता है ये हमारी चेस्ट कंजक्शन, बच्चे नहीं लेते हैं तो वो सो जाएं, जब भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और ये थी आज की हमारी रेमेडी, इसमें देखो प्रॉपर धुआं, वैसे धुआं नहीं होना चाहिए जो हल्दी डालेंगे उसके बाद का धुआं होना चाहिए, अगर बच्चा नहीं लेता है तो आप रूम में रख दें, उससे भी जो बच्चे का रूम थोड़ा सा, मतलब एक गेट खोल के, उससे भी जो बच्चा इनहेल सांस तो से लेगा बच्चा, अगर नहीं सूंघेगा तो उससे भी बहुत आराम होता है, और बच्चा पूरी रात आराम से सोता है, क्योंकि चेस्ट कंजक्शन की वजह से जब छाती रुक जाती है ना तो बच्चा सो पाता है, और वो पूरी रात परेशान रहता है और फिर उससे बुखार बन जाता है। तो आप ये रेमेडी करके देखें, और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगी और आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं रही। थैंक यू।